को जो कि नवंबर 3 था, और उस दिन करीबन 2:15 बजे कुछ टेररिस्ट और टेररिस्ट एसोसिएट्स ने, जो यहाँ पे संडे मार्केट लगती है वहाँ पे सिविलियंस के बीच में एक ग्रेनेड लॉब करा था, और इस ग्रेनेड अटैक में 12 सिविलियंस जो थे वो इंजर्ड हुए थे, और उसमें 2 जो सिविलियंस थे काफ़ी शदीद तौर पे इंजर्ड थे, जिसमें एक लेडी आबिदा जो कि बांडीपुरा के रहने वाली थी और जिसके बहुत छोटे बच्चे थे, काफ़ी मतलब कि कुछ दुधमुहे बच्चे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। इसी तरीके से एक और अफराद जो जिसका नाम हबीबुल्ला था, वो भी बांडीपुरा का ही रहने वाला था, और उसका एक छोटा बेटा वो भी इनवैलिड और बेड रिडन था, तो वो अपने घर का लोन ब्रेड अर्नर था, वो भी काफ़ी शदीद तौर पे इसमें जो था इंजर्ड हुआ था। तो लिहाजा ये जो अटैक हुआ संडे मार्केट में, जिसमें 12 जो सिविलियंस है उसकी जद में आए और कुछ शदीद तौर पे इंजर्ड हुए और कुछ सरसरी तौर पे इंजर्ड हुए, तो इस केस को जो है श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी कम समय पे और बहुत मेहनत करके शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, उनको इन्होंने धर पकड़ा है। और इसमें ये 3 लोग जो हैं इसमें अभी डिटेन हुए हैं, उनका नाम है उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान मंसूर शेख। ये 3 लोग इखराजपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं, और ये यहाँ पे जो अमन अमान है और यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसमें धर्म भरम डालने के मकसद से इन्होंने ये ग्रेनेड लॉब करा, और इनका जो वाबास्ता है और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है अपने हैंडलर्स जो पार पाकिस्तान में हैं उनके कहने पर भी इन्होंने ये इस टाइप का जो है नृशंस कृत्य, जो कि बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था, उसको अंजाम मिलाए हैं। तो लिहाजा इन 3 लोगों को वो कर दिया, और इनको इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन श्रीनगर का जो राजबाग पुलिस स्टेशन है, उन्होंने UAPA में मामला दर्ज करा है, कोठीबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा है, और इनको लीगल जो सारा दायरा है उसमें लाके इसको कड़ी से कड़ी और सख्त से सजा दी जाएगी। थैंक यू। डिटेंशन और अरेस्ट में माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो विल लेट यू नो। ठीक है, सिविलियन ही टारगेट थे या सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट? जैसा कि वहां पे जाए वकवा पे ये जो ग्रेनेड गिरा है वहां पर, वो ज्यादातर उसकी जद में सिविलियंस ही आए हैं, और वो आप जैसा कि आप ऑन स्पॉट देखा होगा वो एकदम बीच जो है मार्केट में जहाँ पे रेडी फरोश थे और लोग जो वहां से खरीदारी कर रहे थे उनके यकायक बीच में गिरा है। सोपोर ऑपरेशन कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी, जिसमें सगीपुरा जो है सोपोर का एक इलाका था पुलिस स्टेशन बोमई के अंडर, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट मूवमेंट की खबर मिली थी। इसी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जगह का मुहासरा करा, और जब वहाँ पे जो कॉर्डन है और किया जा रहा था उसी समय गोलियों का तबादला शुरू हुआ, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने सबसे पहले मुनासिब समझा कि वहाँ पे जो बाशिंदगान हैं लोकल जो गांव के हैं उनको इवैक्यूएट करा जाए, और इवैक्यूएट करने के बाद ये जो कॉर्डन सर्च है ये एक ऑपरेशन में तब्दील हो गया। आज सुबह फर्स्ट हाफ में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, और इसमें जो 2 टेररिस्ट हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और उनसे काफ़ी आर्म्स एमुनेशन और बाकी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसकी आगे फर्दर तफ्तीश भी की जा रही है। सर, ये जो 3 पकड़े हैं किस आउटफिट से हैं? लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा।